बेटा उधर मत तुम खड़े रहो क्योंकि वहाँ खोखे वगैरह पड़े होंगे। आज जनपद प्रतापगढ़ में नोएडा एसटीएफ की यूनिट आई थी, उसमें उसके पास कुछ सूचना थी कि कच्छा बनियान गिरोह जो घुमंती गिरोह है उसके कुछ लोग यहाँ थाना रानीगंज के क्षेत्र में एक्टिव हैं। थाना रानीगंज की टीम उनके साथ हो गई और उसके बाद एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया। कोम्बिंग करते वक्त चौहर्जन पुल के पास जो बगिया है वहाँ पर जैसे ही फोर्स पहुँची वहाँ पर फोर्स ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस पार्टी ने रिटेलिएटरी फायर किया जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया और उसमें वहाँ से 2 से 3 बदमाश भागने की सूचना है। उस व्यक्ति को जब तक अस्पताल लाया गया तो यहाँ पर वो मृत घोषित किया गया है। उसके बाद से मिला क्या क्या? उस बदमाश की जब तस्दीक की गई तो पता चला कि उसका नाम बबलू उर्फ पटेला उर्फ साजिद है और वो प्रतापगढ़ से भी वांछित है। 2003 में यहाँ पर कच्छा बनियान गिरोह के अटैक में ट्रिपल मर्डर हुआ था जिसमें 473/3, 394, 302 IPC का मुकदमा लिखा गया था। उस मुकदमे में ये तब से फरार चल रहा था। उस मुकदमे में जो बाकी अभियुक्त पकड़े गए थे उसमें से कुछ को मृत्युदंड की सज़ा और जो उसमें महिला अभियुक्त थी उसको 3 वर्ष का कारावास और एक को 10 वर्ष का कारावास की सज़ा पहले ही हो चुकी है। तस्दीक करने पे यही पाया गया कि इसके अलावा भी 5 अन्य मुकदमों में वांछित चल रहा था जिसमें सहारनपुर से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। मेरठ क्षेत्र में सजना थाने के अंतर्गत इसने वहाँ पर भी डकैती और हत्या की थी। इसके अलावा कानपुर में भी 2 मुकदमों में डकैती और हत्या की फरार चल रहा था। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री में तकरीबन 15 मुकदमे अभी तक प्रकाश में आए हैं जिसमें मोस्टली मुकदमे डकैती और हत्या के हैं। अब इसके बारे में और पता किया जा रहा है कि और कहाँ अभी इसके बाद से क्या क्या मिला है और इसके ऊपर यहाँ प्रतापगढ़ से 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और मौके पर वहाँ पर जब घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि एक 32 बोर की पिस्टल, एक 12 बोर का एक 12 बोर की सिंगल बैरल बंदूक और एक 315 बोर का तमंचा वहाँ मिला है। वहाँ पर खाने पीने की सामग्री मिली है और कुछ शराब की बोतलें भी पाई। सर कई नाम इसके प्रकाश में आए हैं, क्या ये नाम बदल बदल के अपराध को अंजाम दिया करता है? हाँ, ये खासियत होती है जो कच्छा बनियान गिरोह, ये जो घुमंतू गिरोह होता है उसके सदस्य होते हैं, ये इसी प्रकार से विभिन्न जगहों पर जाके नई आइडेंटिटीज़ को इख्तियार करते हैं, फिर वहाँ पर एक कोई भी हीनस क्राइम करके उसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी आइडेंटिटी बदल लेते हैं जिससे पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है इनको ट्रैक करने। कितने साथी मौजूद थे, क्या कुछ फरार भी हुए हैं? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि जब मुठभेड़ हुई तो वहाँ से तकरीबन 2 से 3 साथी फरार होने की बात अभी सामने आ रही है। अभी कंटिन्यूसली कोम्बिंग जारी है। क्या नाम प्रकाश में है? नहीं, अभी कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ। प्रतापगढ़ में 5 जगह बावरिया ने उसी साल घटनाओं को अंजाम दिया था और हर एक घटना में 2-2, 3-3 लोगों की हत्या की गई। तो और भी घटनाओं में इन्वॉल्व था कि ये सिंगल घटना में इन्वॉल्व था? देखिए, 2003 के जो मुकदमे में जिसका नाम ये हमारे रिकॉर्ड्स में पाया गया है, अब उसमें हम संबंधित और खोजबीन कर रहे हैं कि यदि उस समय की जितनी भी कच्छा बनियान गिरोह की घटनाएँ थी उससे अगर यदि कोई इसका गैंग रिलेट होता है तो उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।